घर के अंदर कैद करके रख रखा है कि वो माँ माँ ना होकर सिर्फ उसका इतना सा जुर्म है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, उसने एक बेटी को पैदा करा है और उस बेटी के साथ में दुष्कर्म हो जाता है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि उसको इंसाफ दिलाने के बजाय उसको और पीड़िता के परिवार को और परेशान किया जाता है। 25 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय उस लड़की की कीमत लगाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय आपसे कहना चाहता हूँ, 25 नहीं 50 लाख रुपए देगी इस देश की जनता, क्या उस बेटी को वापस ला सकते हैं? आपके अंदर दम है इतना? इस देश के अंदर जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जैसे मुख्यमंत्री जन्म लेंगे तब तब इस देश का बेड़ा गर्क होगा। ये कभी भी राम राज्य के नहीं हो सकते, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में तो लंका लाकर लंका दहन किया जाता था। न जाने कौन ये व्यक्ति है जो मोमबत्ती और कैंडल जलाने लग गए, नहीं तो नारियों के सम्मान में लंका तक दहन कर दी जाती थी। ये अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद कीजिए, क्योंकि जो सत्ता चलाने वाले हैं वो खुद बे औलाद है। आज जिस तरीके से माँ बहन बच्ची के घर पर जाने नहीं दिया जाता लोगों को, जिस तरीके से हिंदू धर्म के मुताबिक रात के वक्त किसी का भी क्रियाकर्म अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तो ये जब हिंदू धर्म के रक्षक अपने आप को मानते हैं तो इनको इतना भी नहीं पता। और दूसरी बात, इस देश का कौन सा संविधान, कौन सी IPC, कौन सा एक्ट ये कहता है कि एक माँ को, एक पिता को और एक भाई को अपनी बहन का अंतिम क्षण दर्शन भी नहीं हो सके? कौन सा कानून कहता है? मैं खुद एक लॉ का छात्र हूँ, मुझे बताइए कौन सा कानून कहता है? देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बताएंगे या देश के और तमाम बड़े बड़े लॉयर जो भारतीय जनता पार्टी में है या अन्य पार्टियों के लोग हैं वो बताएंगे? कौन सा IPC, कौन सा एक्ट है ये सुरक्षित करने का कानून बताओ? ये देश में जो दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, चाट पत्रकार हैं, देखिए हाथरस के DM को बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कुर्सी आपके पास ज्यादा दिन तक नहीं है। और अगर पीड़िता के परिवार को कुछ भी होता है इस देश के अंदर बलात्कार चाहे किसी भी बेटी के साथ हो, चाहे वो बेटी मौलाना की हो चाहे वो पंडित की हो, बेटी बेटी होती है और हर बेटी की इज्जत समान होती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय इंसाफ दिलाने में बिल्कुल लाचार रहे हैं, और सबसे बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री महोदय जो एक किसी की भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो ट्वीट कर देते हैं, एक कुत्ते के मरने पे ट्वीट कर देते हैं, देश के प्रधानमंत्री एक छोटी सी घटना पे ट्वीट कर देते हैं, शिखर धवन की उंगली में चोट लग जाती है तो उसको लेकर सांत्वना दे देते हैं, पर इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर घट जाती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हलक से आवाज नहीं निकलती। न जाने सत्ता की दलाली का कौन सा फेविकॉल इन्होंने पी लिया है जो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये इस देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बचा सकते, वो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दे। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहता चाहता हूँ कि अगर उस बेटी को, उस बहन को इंसाफ ना दिला सको तो ये चूड़ियां अपने हाथों में पहनकर कहीं अपना मुंह छिपा लेना अगर आपको जगह मिल जाए तो, क्योंकि जो इस देश के अंदर बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकता, जो लोग कहते थे ना इस देश के अंदर नारी होनी चाहिए तो फुल्लन देवी जैसी होनी चाहिए, वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसी होनी चाहिए, नारी होनी चाहिए तो माँ काली जैसी होनी चाहिए, और अब हर एक नारी को माँ काली का रूप धारण कर इन जैसे राक्षसों का सर्वनाश करना है जो सृष्टि में रहकर इस देश का नमक खाते हैं और गलती से बात करते हैं दूसरे देश की। आज जो घटना घटी है देश के अंदर पहली बार नहीं घटी है, इससे पहले निर्भया की घटना घट चुकी है, इससे पहले अन्य और कई घटना घट चुकी है, बलरामपुर की घटना आप देख चुके हैं दो दिन पहले, तो ये घटनाएं देश में घटती रहती है। फर्क इतना है कि ये घटनाएं उजागर नहीं हो पाती है, और देश के प्रधानमंत्री महोदय को शर्म आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए, और सबसे ज्यादा शर्म उस महिला को आनी चाहिए जो महिला सांसद बन के बैठी है। क्या वो महिला स्मृति ईरानी, उसमें इतनी सी भी लाज और शर्म बाकी नहीं है कि एक बहन और बेटी के इंसाफ के लिए संसद के बाहर धरना दे सके? क्या इतनी सी भी साधना नहीं है उसके मन में? और अगर नहीं है तो आप अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए, आप जैसे लोग इस देश के नाम पे धब्बा हो कलंक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।